कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राज्य में पार्टी मजबूत हो रही है और सत्ताधारी बीजेपी पर भारी पड़ रही है, जिससे बीजेपी परेशान है और यात्रा को फ्लॉप करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आज यात्रा ने 35वें दिन में प्रवेश कर लिया है। तो क्या है आज का कार्यक्रम, देखिए खास रिपोर्ट। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश को एकजुट करने के सपने के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा के दौरान तमाम वर्गों से मिल रही है, आम जनता की परेशानियों को सुन रही है और लोगों का भरोसा जीत रही है, जिससे कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। उसी का नतीजा है कि यात्रा की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। यात्रा आज 35वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और आज भी यात्रा की शानदार शुरुआत हुई, जिसकी जानकारी जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा का 35वां दिन चल केरे से सुबह 6:40 पर शुरू हुआ और पूरा दिन ऐतिहासिक चित्रदुर्ग जिले में रहेगा। पूरे कर्नाटक के लगभग 2000 बेरोजगार युवा, जो तथाकथित न्यू इंडिया में एक अंधकार में भविष्य का सामना कर रहे हैं, उनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात दोपहर में होगी। इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में है और यात्रा के दौरान राहुल गांधी पीड़ित वर्गों से मिल रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी राहुल गांधी कर्नाटक के बेरोजगार युवाओं से मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस लगातार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। ऐसे में राहुल की आज बेरोजगार युवाओं से होने वाली ये मुलाकात कर्नाटक चुनाव के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। वहीं इस यात्रा से कांग्रेस को पहले ही राज्य में काफी फायदा होता दिख रहा है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी परेशान है और वो अब कांग्रेस की यात्रा को फीका करने के लिए राज्य में जन संकल्प यात्रा निकाल रही है। हालांकि बीजेपी को इससे फायदा मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।